अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिए, कुछ बताया कि पुरानी सरकार का यह फैसला था जिसकी वजह से 14 दिन में भुगतान के साथ साथ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। हम तो सरकार में गए हुए 5 साल पहले हो गए और अब हो गए जाएंगे, हाँ लगभग 5.5 साल हो गए। माननीय मंत्री जी, आप तो शायद नए मंत्री बने होंगे, क्या आपकी भी सुनाई ऊपर तक नहीं है? बुजुर्ग है? नहीं, बुजुर्ग तो है उम्र से, लेकिन अनुभव होगा इनके पास। लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष महोदय, इनकी सुनवाई सरकार में नहीं है। अगर कोई फैसला ऐसा लिया गया था, किन परिस्थितियों में लिया गया था, उस समय मार्केट में चीनी मिल चीनी का भाव नहीं था उतना, और माननीय मंत्री जी ये भी बताएं, देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कभी बजट से अगर किसानों का भुगतान के लिए पैसा दिया गया था तो समाजवादी सरकार थी। जहां तक एरिया बढ़ाना, रिकवरी बढ़ाना, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। सवाल यह नहीं है कि भुगतान कितना हुआ है, हर सरकार में भुगतान होता है, भुगतान होगा। सवाल यह कि बकाया कितना है, भुगतान तो होगा, हर सरकार करेगी, सरकार चली जाएगी दूसरी सरकार की जिम्मेदारी वो करेगी। लेकिन सवाल आज जो माननीय सदस्यों ने पूछा है, जो किसान इंतजार कर रहे हैं, अरे डबल इंजन की सरकार है, $1 trillion इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, और आप किसानों का 4,000 करोड़ रुपए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये कैसी सरकार है? चलो 3,000 आंकड़ा ठीक हो जाएगा माननीय मंत्री, अभी अगली पिटाई आ जाएगी तो ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है 10,000 करोड़ हो जाए। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी साफ बताएं कितना भुगतान हुआ, ये नहीं बकाया कितना है, जो भुगतान हो जाएगा वो कब तक कर देंगे आप? 5 साल सरकार को गए हुए हो गए, जो आपने उस समय ये ब्याज माफ की बात करी थी वो आज भी, एक मिनट सुन, आज भी वो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट से बार बार हमको नोटिस दिया गया है, हम उस पर हमने कमेटी भी बनाई है उसको हल करने के लिए। एक मिनट। दूसरे नंबर ये है, आप, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं भी नेताजी के नेतृत्व में मैंने भी काम किया है, लेकिन मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि आपके मायावती जी के जमाने में 19 मिलें बंद होके बिकी, और आपके जमाने में 11 मिलें बंद हुई। सरकार आपके जमाने में जो मिल बंद हुई, गागलहेड़ी बंद हुई, मझावली बंद हुई, बुलंदशहर बंद हुई, पिपराइच बंद हुई, मुनेरवा बंद हुई, पूरी 11 की नहीं, आपके जमाने की मिलें बंद हुई हैं। यहाँ ये सॉरी ये हमने बनाई अध्यक्ष महोदय, लेकिन बंद होना दो अलग चीज है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी सरकार में 12 से 17 कौन सी चीनी मिल बिकी है? बिकने वाले तो अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चीनी मिलें कब लगी हैं? बिकने वाले में माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिकने वाले में, बेचने वालों में आप एक महबूब जी, अरे माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिकने वालों में, बेचने वालों में आप नहीं है, वो आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो आप नहीं हो, वो बंद होने वाली की बात बता रहे। ये जो बंद, एक मिनट सुन तो ले, एक मिनट धैर्य तो रखो, ये जो मैंने मिले बताई अध्यक्ष जी, ये हमने नई बनाई है, ये जो हमने बताई आपको, ये नई मिले बनाई हमने, गागलहेड़ी, मझावली, बुलंदशहर, पिपराइच, मुनेरवा, हमने 5 मिल नई बनाई, और आपने जो 11 मिल बंद की हैं उनके नाम बता रहा हूँ, पडरौना, टोडरपुर, सहारनपुर, अमरोहा, बघौली, जरदारनगर, खलीलाबाद, रचड़ा, बस्ती, खेती, बुलंदशहर, आपने 11 मिल बंद की, 11, और 19 मिल मायावती ने बेची और बंद की।